चलो चालू हो गया तो हाँ चालू लो। हमारा रेगुलर टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसमें आज आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा चेंजिंग। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज आप सबसे पहले सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम चेंजमेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद आइदर आर का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, ओरली और एलोन के प्रयोग होने पर हम सेंटेंसेस को निगेटिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आज लोग हम आपको बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे चेंजिंग इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। चेंजिंग इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, आप लोग पहले से ही इस बात से परिचित हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं अपनी हिंदी भाषा में हमने आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंसेस की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो अफर्मेटिव में होते हैं और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस निगेटिव में बनते हैं। तो चेंजिंग प्रोसेस में इंपरेटिव सेंटेंसेस को हमें या तो अफर्मेटिव से निगेटिव में और या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस कुछ इस टाइप से होते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण लिखे दे रहे हैं तो उससे समझने में काफी सुविधा हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है, कम हियर। आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कम हियर। तो जब आपको सेंटेंस का टाइप बताना है, ये बताना पड़ेगा, तो आप लोग सीधी सी बात बताएंगे कि बोर्ड पे लिखा हुआ सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। और अब यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत होती है, और जो नेक्स्ट वर्ड्स होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और जब इंपरेटिव सेंटेंसेस के अफर्मेटिव रूप को हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें डोंट का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आपसे कहा जाए कि इस सेंटेंस को जो बोर्ड पे आपके सामने लिखा गया है आपको इसे निगेटिव में चेंज करना है, यहाँ पे ये अफर्मेटिव है और आपसे कहा जाए कि इसे आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो आप इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे, डोंट कम हियर। अब हमारा लिखा हुआ सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो गया है, तो आप लोग इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए हमें डू नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। और अब इसी की सहायता से हम यहाँ पे रूल यानी फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूल लिखे दे रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस को जब हम निगेटिव में बदलेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सबसे पहले डी होती है उसका प्रयोग करेंगे, और लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होते हैं आप उनका प्रयोग करेंगे,
कॉम्प्लीमेंट वर्ड। आप लोग देख पा रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो नीचे लिखे गए फॉर्मूले को हमें फॉलो करना पड़ता है। आपको इंपरेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करना होगा, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो शुरुआत में ही होती है उसका प्रयोग, और फिर कॉम्प्लीमेंट वर्ड। तो ऊपर लिखा हुआ उदाहरण कम हियर, जब इसे आप निगेटिव में बदलते हैं तो इसका ये प्रारूप हो जाएगा डोंट कम हियर। और अगर इसके जस्ट अपोजिट कहा जाए, सेंटेंस आपका इस अवस्था में दिया हो यानी निगेटिव फॉर्म में दिया हो और आपसे कहा जाए कि इसे आपको अफर्मेटिव बदलना है, तो आप अपोजिट फार्मूले का यूज करेंगे, यानी डोंट कम हियर का जब हम अफर्मेटिव फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा कम हियर। इस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों ने पहले से ही काफी ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, और अगर फिर भी कोई समस्या इनमें है तो एक बार फिर इनका रिवीजन आप लोगों को कराया जा रहा है, और इसके बाद दो तीन और उदाहरण आपके सामने बोर्ड पे लिखेंगे जिनसे आप इंपरेटिव सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से निगेटिव में या इंपरेटिव सेंटेंसेस के निगेटिव को आप बड़ी आसानी से अफर्मेटिव में चेंज कर पाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसके बाद इसी टॉपिक से संबंधित कुछ उदाहरण और उसके बाद फिर आगे के रूल्स Yes, तो स्टूडेंट्स आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं हेडिंग लिखी हुई है सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू इंपरेटिव सेंटेंसेस। पहला उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है ऑलवेज, सॉरी इसको बाद में लिखेंगे, सेंटेंस आपका लिखा हुआ है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। आप लोग देख पा रहे हैं पहला उदाहरण आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये अफर्मेटिव फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है। और अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि सेंटेंस को आपको निगेटिव में चेंज करना है तो इसके पहले बोर्ड पे जो फार्मूला आपके सामने लिखा गया था तो उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम इसे निगेटिव में चेंज करेंगे। स्पीक द ट्रूथ इंपरेटिव सेंटेंस है और इसका मतलब है कि सत्य बोलिए, और जब हम इसे निगेटिव में चेंज करेंगे तो डोंट का प्रयोग हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा डोंट स्पीक, डोंट स्पीक द ट्रूथ। अभी सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो गया है, और इसके बाद दूसरा उदाहरण हेल्प योर यंगर एंड क्लासमेट्स।
क्लासमेट्स। स्टूडेंट दूसरे उदाहरण में आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है हेल्प योर यंगर्स एंड क्लासमेट्स। तो जब हम इसे निगेटिव में चेंज करेंगे तो सीधी सी बात कि हमें सबसे पहले डोंट का प्रयोग करना होगा। सेंटेंस हमारा बन जाएगा डोंट हेल्प योर यंगर्स एंड क्लासमेट्स। एक बात और कि आपके हाई स्कूल की क्लास में जब सेंटेंसेस का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हमारा सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो जाए या जिस फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है उस फॉर्म में चेंज हो जाए। हाई स्कूल की क्लास में हम सेंटेंस के सेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि निगेटिव में चेंज करने पर सेंटेंस का भाव बदल जाएगा, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर एंट्री एग्जाम में पहुंचेंगे तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाए और उसका सेंस भी ना बदले। लेकिन ये आगे की बात, फिलहाल आपको इसी प्रकार से सेंटेंसेस को चेंज करना है। और बोर्ड पे लिखे हुए दो उदाहरणों के बाद एक और उदाहरण और उसके बाद फिर आगे की प्रयोग। एग्जाम्पल नंबर तीन लिखा हुआ है जैसे प्लग दीज ब्यूटीफुल प्लग दी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप लोग देख पा रहे हैं तीसरा सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है प्लग दी ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ये सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है। आपसे कहा जाए कि इसे निगेटिव में बदलिए तो वही प्रोसेस आपको क्या करना है, डोंट का प्रयोग करना है। डोंट प्लग दीज ब्यूटीफुल डोंट प्लग दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में चेंजिंग करते हैं। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यदि सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग है तो ऑलवेज का प्रयोग होने पे हम सेंटेंस को निगेटिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लें और इसके बाद आप लोग देखेंगे ऑलवेज एंड नेवर का प्रयोग। ऑलवेज ऑलवेज एंड नेवर का प्रयोग। स्टूडेंट अब आप लोग देखेंगे कि वे सेंटेंसेस जिनमें ऑलवेज अथवा नेवर का प्रयोग है तो उन सेंटेंसेस में हम चेंजिंग किस प्रकार से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वे सेंटेंस जिनमें ऑलवेज का प्रयोग है, ऑलवेज का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा बिल्कुल बिगिनिंग में होता है, यानी शुरुआत में ही होता है। और जब ऑलवेज के प्रयोग वाले सेंटेंसेस हमें निगेटिव में बदलने होंगे तो हमें ऑलवेज के स्थान पर नेवर का प्रयोग करना पड़ता है। उन सेंटेंसेस में हमें डोंट का प्रयोग नहीं करना है। किस प्रकार से, उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे। लिखा हुआ है ऑलवेज ऑलवेज कीप लेफ्ट टू द
रोड, ऑलवेज कीप लेफ्ट टू द रोड। तो स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है ऑलवेज कीप लेफ्ट टू द रोड, यानी सदैव सड़क पर बाईं ओर चलिए। तो जब इस सेंटेंस को आपको निगेटिव में बदलना होगा तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस का सेंस समझ लें कि सेंटेंस में कहा जा रहा है सदैव सदैव रोड के बाईं ओर चलिए, और जब इस सेंटेंस को हम निगेटिव में बदलेंगे तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि ऑलवेज के स्थान पे आप नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर कीप। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है कि अगर यहां पर लिखे हुए लेफ्ट को हम यहां पर राइट कर दें, तो हमारा सेंटेंस निगेटिव में भी चेंज हो जाएगा और सेंटेंस का सेंस भी बिल्कुल सही रहेगा। नेवर कीप राइट टू द रोड। अभी आपका निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया है। अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑलवेज का प्रयोग वाले सेंटेंस को जब हमने निगेटिव में बदला तो ऑलवेज के स्थान पे नेवर का प्रयोग किया गया, कीप के स्थान पे कीप का प्रयोग किया गया, लेकिन लेफ्ट के स्थान पे यहां पे राइट का प्रयोग किया गया है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर लिखे हुए सेंटेंस में कहा जा रहा है ऑलवेज कीप लेफ्ट टू द रोड, सदैव रोड के बाईं ओर चलिए, और यातायात के नियमों के अनुसार ट्रैफिक रूल्स के अनुसार भी हमें सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। और जब हम सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर देंगे, अगर यहां पे हम लेफ्ट रखते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा कि कभी भी सड़क पर बाईं ओर ना चलिए, तो यहां पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और इन्हीं चीजों को फर्स्ट ईयर इंटर में आगे की कक्षाओं में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यहां पे अगर आप लेफ्ट का राइट कर दे रहे हैं तो सेंटेंस आपका निगेटिव में चेंज हो जाएगा और वाक्य का सेंस भी आपका सही रहेगा। और इसके बाद एक सेंटेंस जिसमें नेवर का प्रयोग है और निगेटिव में है, तथा तो आपको वो सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज करना है। किस प्रकार से चेंज होगा, बोर्ड पे लिखा जा रहा है। जैसे लिखा है नेवर इंसल्ट द पुअर, लिखा हुआ है नेवर इंसल्ट द पुअर। जब नेवर का प्रयोग है तो सीधी सी बात कि हमारा सेंटेंस निगेटिव में है। नेवर के प्रयोग से भी हम जान जाएंगे कि हमारा सेंटेंस निगेटिव में है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है नेवर इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों का अपमान कभी ना करें। और जब आप इसे अफर्मेटिव में बदलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ऑलवेज इंसल्ट के अपोजिट का प्रयोग हमें यहां पर करना होगा। इंसल्ट का अपोजिट होता है रेस्पेक्ट, ऑलवेज रेस्पेक्ट द पुअर। ये एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, ऊपर लिखी गई सेंटेंस में नेवर इंसल्ट द पुअर की हिंदी है कि कभी भी गरीबों का अपमान ना करें। और अगर हम यहां पे इंसल्ट को रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करते हैं तो वाक्य जो बोर्ड के सामने आपके लिखा है का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा ऑलवेज इंसल्ट द पुअर, जो कि नैतिक दृष्टि से मोरली कोई सही बात नहीं है। तो यहां पे आपको सेंटेंस के सेंस का भी ध्यान रखना है। जब सेंटेंस को आप नेवर से ऑलवेज में चेंज करेंगे या ऑलवेज को नेवर में चेंज करेंगे, नेवर इंसल्ट द पुअर, और जब इसको हम अफर्मेटिव बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ऑलवेज रेस्पेक्ट द पुअर। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस
अफर्मेटिव में चेंज हो गया है। आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव से निगेटिव में और निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। एक बात याद रखने योग्य कि आप ये हमेशा याद रखें कि सेंटेंसेस को जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे और निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने पर भी जस्ट अपोजिट रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ऑलवेज का प्रयोग होने पर हमने नेवर का प्रयोग किया और किस प्रकार से नेवर का प्रयोग होने पर हमने ऑलवेज का प्रयोग किया। और इस तरह से सेंटेंसेस में आपको वाक्य के सेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सेंस अति महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और सेंस को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार के वाक्यों में चेंजिंग करनी है। इसके बाद आप लोग देखेंगे आइदर आर तथा नाइदर आर का प्रयोग। तो बच्चों अब आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आइदर आर का प्रयोग होने पर, यानी सेंटेंस में जब आइदर आर का प्रयोग होगा तो सेंटेंस को हम निगेटिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आइदर आर माने होता है या तो वे सेंटेंस जिनमें आइदर आर का प्रयोग होगा उन्हें निगेटिव में बदलने के लिए आइदर आर के स्थान पे हमें नाइदर नार का प्रयोग करना पड़ता है। किस प्रकार से बोर्ड पे एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। लिखा हुआ है आइदर आइदर सुषमा सुषमा आर गरिमा आइदर सुषमा आर गरिमा स्टोल माई पेन। आप लोग बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस को देख पा रहे हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है आइदर सुषमा आर गरिमा स्टोल माई पेन। सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है और जब हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी या गरिमा या तो फिर सुषमा ने मेरा पेन चुराया है। गरिमा या फिर सुषमा ने मेरा पेन चुराया है और ये अफर्मेटिव फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ। और जब इसे हम निगेटिव में बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा नाइदर सुषमा नाइदर सुषमा और आर के स्थान पे हमें नार का उपयोग करना होगा, नार गरिमा नाइदर सुषमा नार गरिमा स्टोल माई पेन। आपको यहां पर याद रखना है कि सेंटेंस वे सेंटेंस जिनमें आइदर आर का प्रयोग होगा तो आइदर आर के प्रयोग वाले सेंटेंसेस को निगेटिव में बदलने के लिए आइदर आर के स्थान पे हमें नाइदर नार का प्रयोग करना होगा। आइदर आर के स्थान पे हमें नाइदर नार का प्रयोग करना होगा और यहां पे स्पेलिंग ये एन ई आई टी एच आर
Neither Sushma nor Garima stole my pen. तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंसेस जिनमें आइदर आर का प्रयोग है उन्हें निगेटिव में चेंज करने के लिए हमें नाइदर नार का प्रयोग करना होगा। और एक बात और जो आपको याद रखनी है, सेंटेंस किस टेंस में है इस बात की भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही हमें टेंसेस की वर्ड्स का यूज करना होता है। आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि सेंटेंस में दो नाम दिए हैं तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो गया है। फिलहाल इन सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है, दो नाम दिए होने के बावजूद सेंटेंसेस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल को फॉलो करना पड़ता है। अर्थात आप उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे या मेन वर्ब को यूज करेंगे जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं। यहां पे आइदर आर या नाइदर नार में दोनों में से किसी एक की बात की जाती है, तो जब दोनों में से किसी एक की बात की जाती है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है। अब इसके बाद एक और उदाहरण जिसमें आइदर आर का प्रयोग आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसके बाद आप लोग देखेंगे एज सून एज के प्रयोग होने पे हम सेंटेंस को निगेटिव में किस प्रकार चेंज करते हैं। तो बोर्ड पे दूसरा उदाहरण आपके सामने लिखा जा रहा है, आइदर अमित आर सुमित आइदर सुमित आइदर अमित आर सुमित है गॉड फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं दूसरे सेंटेंस में आपके सामने लिखा हुआ है आइदर अमित यानी या अमित ने या फिर सुमित ने मेरी कक्षा में पहली रैंक प्राप्त की है। तो यहां पे दोनों में से किसी एक की बात की जा रही है, इसलिए हैड वर्ब यूज का प्रयोग किया गया है, हैज का प्रयोग किया गया है। और जब इस सेंटेंस को हम निगेटिव में बदलेंगे तो बिल्कुल ऊपर बताई गई प्रोसेस को हम यूज में लाएंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा नाइदर अमित आर के स्थान पे नार का प्रयोग करेंगे, नार सुमित है गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। अब बोर्ड पे लिखा गया सेंटेंस आपका निगेटिव में चेंज हो गया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि वे सेंटेंसेस जिनमें आइदर आर का प्रयोग होता है को निगेटिव में बदलने के लिए आइदर आर के स्थान पे हमें नाइदर नार का प्रयोग करना पड़ता है। और अगर सेंटेंस में नाइदर नार का प्रयोग है और आपसे कहा जा रहा है कि सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में बदल दीजिए तो नाइदर नार के स्थान पे आप लोग आइदर आर का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई ऐसी कठिन टिपिकल चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए और बोर्ड पे लिखे हुए एग्जांपल से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आइदर आर अथवा नाइदर आर के प्रयोग वाले सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, या तो आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में और या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ेगा। और इसी प्रकार
सेंटेंसेस को इंटरचेंज करेंगे। और इसके बाद आप लोग देखेंगे एज टू एज का प्रयोग। एज सू एज का प्रयोग होने पर, तो स्टूडेंट अब आप लोग देखेंगे कि हम उन सेंटेंसेस में इंटरचेंज किस प्रकार करते हैं जिनमें एज सून एज का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और जब एज सून एज के प्रयोग वाले सेंटेंसेस को हमें निगेटिव में चेंज करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले तो आप सेंटेंस का सेंस समझ लें, और उसके बाद बोर्ड पर बताया जा रहा है रूल को आपको फॉलो करना है। आपके सामने एक उदाहरण लिख रहे हैं और इन्हीं उदाहरण के नीचे इससे संबंधित रूल आपको लिख के बोर्ड पर समझाया जाएगा। लिखा हुआ है एज सून एज कमल सा द स्नेक। एक क्लास पूरी हो रही है उसके बाद कामा का प्रयोग होता है, तो एज सून एज कमल सा द स्नेक कामा लगा हुआ होगा, ही रैन अवे। इस प्रकार से सेंटेंसेस में एज सून एज का प्रयोग होता है, और इस समय बोर्ड पे लिखा हुआ सेंटेंस आपका अफर्मेटिव फॉर्म में है, और ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इनकी चेंजिंग करनी पड़ती है। तो आप मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि सेंटेंस को आप निगेटिव में चेंज करें, तो निगेटिव में चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एज सून एज के स्थान पे हमें नो सूनर का प्रयोग करना है, नो सूनर का प्रयोग करना है। फिर नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग करना है, फिर कमल जो कि सब्जेक्ट है कमल का प्रयोग करना है, सा जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है के स्थान पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहां पे हमने डिड का प्रयोग कर दिया है, तो सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डिड कमल सी द स्नेक। नो सूनर डिड कमल सी द स्नेक कामा को हटा देंगे हम, कामा के स्थान पे आप देन का प्रयोग करेंगे, टी एच ए एम देन आगे लिखा हुआ है क्लास उसको किसी प्रकार उतार देंगे, देन ही रैन अवे। अब हमारा सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो गया है। आप लोग अच्छे से देखें कि एज सून एज को नो सूनर में चेंज कर दिया गया है। नो सूनर के बाद सेंटेंस के अनुसार सेंटेंस के टेंस के अनुसार डिड का उपयोग किया गया, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग करेंगे। नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग करेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका वही रहेगा, कामा के स्थान पे आप देन लगा देंगे, और
और बाकी जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इसी प्रकार उतार देंगे। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला इसका बन जाएगा एज सून एज के प्रयोग वाले सेंटेंसेस को निगेटिव में बदलने पर फार्मूला आपका बन जाएगा नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है यानी पास्ट इंडिफिनिट में है तो डिड का प्रयोग होने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप देन का प्रयोग करेंगे और देन के बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट देन के बाद आप कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वे सेंटेंस जिनमें एज सून एज का प्रयोग है को निगेटिव में बदलने पर हम किस प्रकार से नो सूनर के बाद डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आदि का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद एक सेंटेंस और जिसमें एज सून एज का प्रयोग है लिखा हुआ है, एज सून एज सून एज आवर क्लास टीचर लुक्ड एज सून एज आवर क्लास टीचर लुक्ड एट मोहन। अब मोहन के बाद कामों का प्रयोग होगा, ही सैट बिहाइंड द वॉल डब्ल्यू ए डबल एज सून एज आवर क्लास टीचर लुक्ड एट मोहन ही सैट बिहाइंड द वॉल। यानी जैसे ही हमारे कक्षा अध्यापक ने मोहन की ओर देखा, कामा का मतलब होता है वैसे ही वह दीवार के पीछे बैठ गया। तो इस सेंटेंस को जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड आवर क्लास टीचर लुक हो गया यहां पे क्योंकि हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं, लुक एट मोहन कामा के स्थान पे देन लगाएंगे, देन ही सैट बिहाइंड द वॉल। आप लोग बोर्ड पे अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एज सून एज प्रयोग वाले सेंटेंसेस को हम निगेटिव में चेंज करते हैं। और एक बात आपको और याद रखनी है, सेंटेंस को चेंज करते समय आपको सेंटेंस के टेंस का भी ध्यान रखना है। ऊपर दिए गए दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट में हैं और अगर सेंटेंस पास्ट में ना होकर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के रूल्स के अनुसार, प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अनुसार हमें सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स एज सून एज का प्रयोग समझने के बाद आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं सामने लिखा हुआ है कि ओनली अथवा एलोन का प्रयोग होने पर हम सेंटेंसेस में परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे। तो ये टॉपिक जो सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके विषय में आपको कल समझाया जाएगा और आज के लिए जो इसके पहले विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपको समझाए गए इनसे संबंधित एक्सरसाइजेस आपकी बुक में हैं। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस
में जाएंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजें आपको देखने को मिलेंगी, और इन्हीं एक्सरसाइजेज में ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनमें एज का प्रयोग, आइदर आर का प्रयोग, नाइदर नार का प्रयोग, ऑलवेज का प्रयोग, नेवर का प्रयोग वाले सेंटेंस मिलेंगे, और आपको इन्हीं सेंटेंसेस से संबंधित एक्सरसाइजेस करनी है। और ये टॉपिक अब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा, और तब तक आप लोग अपना अच्छे से होमवर्क करते रहें, पीछे बताए गए टॉपिक्स को आप रिवीजन करते रहें, और जो भी महत्वपूर्ण चीजें स्कूल के माध्यम से, हम टीचर्स के माध्यम से आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही, इनकी वैल्यू को समझते हुए आप लोग ध्यानपूर्वक मन से इन चीजों का अध्ययन करेंगे, और अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप लोग कमेंट करें। और हमें एक बात और याद आ रही, एक स्टूडेंट्स ने कल कमेंट में लिखा था कि सर ट्रस्ट के बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो आपको हम बता दें कि ट्रस्ट के बाद इन जो होता है प्रीपोजिशन उसका प्रयोग करते हैं, और ट्रस्ट इन जब हो जाता है तो ये फ्रेजल वर्ब हो जाती है। इसका मतलब होता है फुल बिलीव इन गॉड। एक सेंटेंस हमने बोर्ड पे लिखा था, उस सेंटेंस में ट्रस्ट के बाद टू का प्रयोग बोर्ड पे लिख दिया था, और टू का प्रयोग तब किया जाएगा ट्रस्ट के साथ जब कोई व्यक्ति ईश्वर पे पूरा विश्वास नहीं रखता है, यानी वो नास्तिक है, और ईश्वर में आस्था रखने के लिए उससे कहा जा रहा हो तो ट्रस्ट के साथ टू का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में या किसी में भी पूर्ण आस्था रखता है, पूर्ण विश्वास रखता है, तो ट्रस्ट के साथ हमेशा इनका ही प्रयोग होता है। और आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।